नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं, मैं प्रशांत हूं। खबर पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं, लाइव आएंगे, मुखातिब होंगे, व्लॉग्स और भी बहुत कुछ, लेकिन नए पते पर, और वो नया पता है ललन टॉप यूपी। तो फिर देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करिए ललन टॉप यूपी को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद से ही भारत में इसकी खूब चर्चा हो रही है। चाय की टपरियों से लेकर सियासी गलियारों तक तालिबान के शासन पर राय देते लोग नजर आ रहे हैं। इस बहस में कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जा रही हैं जिन पर खबरों का बाजार गर्म है, जैसे कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि का ताज़ा बयान। अफगानिस्तान संकट को लेकर CT रवि कह गए कि भारत में हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो गए तो गांधार के साथ जो हुआ वही भारत के साथ भी होगा। यहां तक कि CT रवि ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तुलना तालिबान से कर डाली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने मंगलवार 31 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता हमारा मूल विश्वास है, हमारा मतलब हिंदुओं का। जब तक सहिष्णुता वाले लोग बहुसंख्यक रहेंगे तब तक धर्मनिरपेक्षता रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा रहेगी। जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान रहेगा। जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक समान अवसर होंगे। एक बार हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो गांधार यानी अफगानिस्तान के साथ जो हुआ वो भारत के साथ होगा। CT रवि ने आगे कहा, जब वे बहुसंख्यक होते हैं तो वे शरीयत की बात करते हैं, अंबेडकर के संविधान के बारे में नहीं। CT रवि यही नहीं रुके, उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी तालिबान से जोड़ दिया। रवि ने कहा, देश के हर हिस्से में मदरसे बढ़ रहे हैं और गलत धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, मदरसों में पढ़ने वाले छात्र तालिबानी बन जाएंगे। कांग्रेस पर भी हमला बोला उन्होंने। CT रवि ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने के तहत विशेष समुदाय का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। रवि ने कहा, जब सवाल राष्ट्रीय अखंडता और देश के हित में हो तो हम किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किसी विचारधारा के बोझ तले कोई भी फैसला नहीं ले सकते। पार्टी की विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय हित के मामलों में उसके साथ हो, ना कि उसके खिलाफ। कांग्रेस में राष्ट्र के प्रति ऐसी विचारधारा नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक CT रवि ने कांग्रेस से साफ सुथरी राजनीति करने की बात कह डाली। बोले, तुष्टिकरण की राजनीति से और अधिक पाकिस्तान बन सकते हैं, आप सत्ता में आ सकते हैं लेकिन इससे और अधिक पाकिस्तान बनेंगे। यदि आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो निष्पक्ष राजनीति करें और देश को पहले वाली नीति के साथ रखें। लेकिन CT रवि कहां रुकने वाले थे, उनका कांग्रेस पर हमला जारी रहा। उन्होंने आगे कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस आज देश प्रथम नीति भूल गई है, वे अंधे हो गए हैं और देशभक्ति और आतंकवाद के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि वे RSS की तुलना तालिबान से करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तुलना तालिबान से की। रवि ने कहा, AIMIM कर्नाटका का तालिबान है, AIMIM और SDPI की विचारधारा तालिबान की तरह है। कलबुर्गी के लोग तालिबानी विचारधारा को अस्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास है कि कलबुर्गी नगर निगम चुनावों में BJP बहुमत से जीतेगी, हमारा लक्ष्य विकास और हिंदुत्व है। CT रवि के इस बड़े हमले के बाद उनके प्रतिद्वंदी की तरफ से जवाब आना तय था। AIMIM की तुलना तालिबान से करने पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। ओवैसी ने कहा, वो अभी बच्चा है, उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। वो बोले, मोदी जी को तालिबान को बैन करो, UAPA की टेरर लिस्ट में नाम डालें। ओवैसी ने तालिबान को बैन करने की बात कही तो आगे बढ़ते हुए कहा, आपको मालूम कि दुनिया में दो देश हैं जिन्होंने तालिबान को और हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किया है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। चलिए आप तालिबान को बैन करिए। बताते चलें कि कर्नाटका के कलबुर्गी शहर में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ सियासी बयानबाजियों का दौर जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों के लिए कलबुर्गी इसलिए अहम है क्योंकि ये गुलबर्गा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। आप देख रहे थे द ललन टॉप, मैं हूं प्रशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। शुक्रिया।